दर्शन न्यूज। सिंगौड़ी पंचायत की मुखिया सुवैदा खातून के पति शिक्षक मोहम्मद सज्जाद को अपराधियों द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना के एम्स अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश भाजपा सरकार नहीं बेखौफ अपराधियों का राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेमतलब ही सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। जब उनसे बिहार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है तो क्यों नहीं बिहार की जनता से क्षमा मांगकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। यानी मुखबिरन साजिश किया है इसके पीछे, तो साजिश तो पुलिस और इस सबसे होगा नहीं। इंक्वायरी अच्छा बैठना चाहिए और उन्हें फेयर होना चाहिए, क्योंकि जब मेरा दुश्मनी किसी से है ही नहीं तो मारने वाला कौन पैदा हो गया। कोई तो बड़ा साजिश किया मेरे घर में घुस के सिगोड़ी में, वो भी छोटा अंतर गाँव तो है नहीं सिगोड़ी। अभी कोई पकड़ा है कि नहीं? अभी जितना नाम लिया हुआ है उसके साथ। एक लड़का जो है ना अपने आप कह रहा था कि हम पटक के गोली छोड़ी कस्टडी में, किसान होगा यार, नाम बताया। अभी जो बकराया है वो नाम बताया है कि हम चाहते हैं कि जिसका भी नाम वो बता रहा उसको कार्रवाई किया जाए। हाँ, घर के सामने उसकी कार्रवाई नहीं है। आप लोग कर रहे थे, हम हैं, खड़े हैं, चिंता नहीं कीजिए। डॉक्टर लोग से भी बात हुई, बोले जितना हो सके।